नो ओके से पैक करवा कर भेज दो। देखो जमीन पे लगने मत देना, जमीन पे ना लगे, बहुत ख्याल से। व्हाट कैसी हो तुम? चिड़ियों ने फ्रेश कर दिया ना तुम्हें? अच्छा कैसी रही बर्थडे पार्टी, एंजॉय किया तुम लोगों ने? अरे क्या बताऊं तुम्हें, बहुत ही आला, शानदार, इंतहाई शानदार, बल्कि उससे भी ज्यादा। ठीक है, ऐसे भी क्या एंजॉय कर लिया, बर्थडे तो थी बस। बिल्कुल ख्वाब का समा था, क्या बताऊं, जैसे शहजादा और शहजादी की कहानी। फजूल चीजें हैं ये सब, इंसान दुनिया में इसलिए थोड़ी आया है। क्यों, ठीक कहा ना? बता नहीं सकती मैं दीदम, क्या मोमेंट्स थे वो। यानी देखो दुनिया में लोग कितने परेशान हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखो क्या है ये सब। अच्छा हाँ, मुराद ने क्या दिया गिफ्ट में? यार बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया मुराद ने हयात को। अरे क्या दिया होगा उसने, मुझे तो सब पता है। गिफ्ट देने में कितना बेवकूफ है वो, मुझे परफ्यूम दिया था बर्थडे पे उसने, उसे भी परफ्यूम दिया होगा है ना? परफ्यूम दिया? सही अंदाजा था ना? अंदाजा देखा? नो अपनी माँ का नेकलेस गिफ्ट किया उसने, अपनी खानदानी निशानी दी और उससे पहले हयात को चाहने का एतराफ भी किया मुराद ने। मुराद ने क्या किया, क्या एतराफ किया? यार क्या बताऊं मैं तुम्हें दीदम, मुराद और हयात यानी मोहब्बत हो गई उन्हें, यानी प्यार हो गया है, इश्क हो गया है, दे आर इन लव। मुराद ने स्पेशली एक बहुत खूबसूरत शेर बनवाया था हयात को अपने दिल का हाल बताने के लिए। खुशी हुई, बहुत खुशी हो रही है, जबरदस्त यार, अब तो भाई बहुत जरूरी हो गए हैं लव कमल को विश करना। क्योंकि कुछ ही दिन की बात है फिर साथ नहीं होंगे एक दूसरे के, ये दोनों अलग हो जाएंगे ये दोनों बहुत जल्द।